देख रहे हैं नागपुर न्यूज टीवी में हूँ एजाजुद्दीन। खबर दिन भर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहली खबर तो मैं आपको बता दूँ कि भारत में, हमारे देश में कोरोना की स्थिति अभी 3 लाख के करीब करीब पहुँच रही है। कोरोना पेशेंट 3 लाख के करीब करीब पहुँच रहा है और आज का ही आंकड़ा आया 11,000 का पार, यानी 11,000 आंकड़ा, 11,000 लोग एक साथ संक्रमित हुए हैं पूरे देश में एक दिन में। बढ़ते हुए ये आंकड़े हमें ये सूचना, ये जानकारी दे रहे हैं कि संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है और उन डॉक्टरों की और वैज्ञानिकों की बात सच हो रही है कि जून और जुलाई में ये कोरोना पीक पकड़ने वाला है। अगली खबर खासतौर से नागपुर से है। नागपुर में एक दिन से, कुछ दिन से ये किस्सा चल रहा है। नाइक तालाब एक जगह है, वहाँ बांग्लादेश कहा जाता है उसे। नाइक तालाब का एक किस्सा नेशनल न्यूज़ पे भी आया गया है और पूरे देश में ये चल रहा है कि बिरयानी की वजह से कोरोना फैला है। हालांकि इसको लेकर नागपुर पुलिस और मनपा आयुक्त मुंडे, इनमें भी तनातनी चल रही है। जी हाँ, पुलिस का ये मानना है कि जो आदमी ने, बताया जा रहा है कि जिसने बिरयानी की पार्टी दी थी, वो पार्टी उसने दी ही नहीं क्योंकि वो मजदूर है और वो मजदूर जो है 26 को अपनी जांच के लिए गया था, 27 को वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और 10-12 लोगों के बयान लेने के बाद ये पता चला है कि वहाँ ऐसी कोई पार्टी हुई नहीं। और खबरें ये चल रही हैं कि वहाँ पार्टी ज़रूर हुई है और देश में भी यही खबर है कि बिरयानी पार्टी हुई थी, उसके वजह से लॉकडाउन की खुशी में किसी ने पार्टी दी थी, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा जो नागपुर नाइक तालाब से आया है वो बिरयानी पार्टी की वजह से आया है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि उन्होंने तफ्तीश जारी की और जब लोगों का बयान लिया तो पता चला है कि वहाँ ऐसी कोई पार्टी हुई नहीं। 12 लोगों के बयान बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने बोला है कि यहाँ ऐसी कोई पार्टी नहीं हुई है। इस बीच पुलिस आयुक्त, पुलिस और मनपा आयुक्त जो है मुंडे, इनके बीच तनातनी शुरू है। नागपुर की ये बड़ी खबर है जो कि आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज़ टीवी पर। ऐसे खबरें और भी, और ऐसे अच्छी खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ देखते हुए नागपुर न्यूज़ टीवी। एजाजुद्दीन आपके साथ है। अगली खबर की तरफ रुक करते हैं। अगली खबर ये है दिल को दहलाने वाली, एक डॉक्यूमेंट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था, जी हाँ 25 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद देश में चारों तरफ प्रवासी मजदूरों का बड़ी आफत हुई थी। उन्हें घर पहुंचना था, काम धंधे सब बंद हो गए थे, फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री से निकाल दिया था, मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था, तो ऐसे में प्रवासी मजदूर जाते तो कहाँ जाते, वो अपने घर की तरफ जाना चाहते थे, उनको घर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे अटकलें लगाई गई। ऐसे में ये प्रवासी मजदूर की जीवन कैसा रहा, जो आज प्रवासी मजदूर 100-100 मंजिला इमारत बना लेते हैं, बड़े बड़े मॉल बना लेते हैं, बड़े बड़े डैम बना लेते हैं, यही वो प्रवासी मजदूर है, उनकी जिंदगी लॉकडाउन में कैसी रही, आइए डालते एक नजर। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? अगर हम नहीं है इंसान तो मार दो हमें, दे दो फरमान। खाने को तो कुछ ना मिल पाया, भूख लगी तो डंडा खाया, फासले तय किए हजारों मील के, कुछ साइकिल पर कुछ पैर नंगे, मरे कई भूख से और कई धूप से, पर हिम्मत ना टूटी बड़ों के झूठ से, बस से भेजकर, रेल से भेजकर, जान खो बैठे रास्ते भूलकर। यहां प्रतिमाओं की बड़ी अस्थि पर इंसानों की जान है सस्ती, बड़े सपने अच्छे दिन बतलाए पर भूख किसी की मिटा ना पाए। चाहिए ना भीख ना दान, बस ना छीनो आत्मसम्मान। हम तो बस प्रवासी हैं, क्या इस देश के वासी हैं? आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज टीवी। चलिए अगली खबर नागपुर से नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। कोरोना अपडेट पे
नागपुर से आज मिले हैं कुल मिलाकर 12 पेशेंट और संख्या जा पहुंची है 932। जी हाँ, 932 हो गई है कोरोना पेशेंट की संख्या। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। नागपुर में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, नागपुर ही नहीं क्या पूरे महाराष्ट्र में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र ने तो मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं और मुंबई के लोग भी बड़े सकते में हैं। इसमें हमें नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं कि नियमों का पालन करना ही हमारे लिए बहुत जो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एहतियात नहीं बरतते तो हम अपने घर तक लेके आ सकते हैं कोरोना को। इसलिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ टीवी नागपुर, न्यूज़ टीवी इजाजुद्दीन के साथ। खासतौर से नागपुर के पेशेंट को देखते हुए मनपा आयुक्त ने चेतावनी दी कि लापरवाही से मरीज बढ़ रहे हैं, सरकारी नियमों का अगर पालन नहीं करेंगे तो नागपुर में कोरोना का विस्फोट होना वाजिब है। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे आपका अपना न्यूज़ चैनल नागपुर न्यूज़ टीवी। और जाते जाते आपको ये बता दो कि हमारी जो खबरें होती है हम लोग जो है सूत्रों के हवाले से लेते हैं, आप तक पहुँचाते हैं और आप के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं यहाँ ओपन माइक। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी वीडियो जरूर भेजें और यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है नागपुर न्यूज़ टीवी को उसे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और बने रहें, देखते रहें नागपुर न्यूज़ टीवी।